प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं महेश परावत और यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो आधा अगस्त निकल चुका है और अभी भी मानसून की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। पूरे मानसून में 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो मानसून की बारिश होती है वो 880.6 मिलीमीटर होती है और अभी तक जो एवरेज रेनफॉल है वो 580 मिलीमीटर के आसपास हो चुका है, यानी कि इतना हो जाना चाहिए। केवल जो एवरेज है वो 300 मिलीमीटर बचा हुआ है अगले 45 दिनों में। तो अब अगर मानसून अच्छा होता है, जैसे कि उम्मीद दिखाई दे रही है कि 18-19 तारीख के बाद मानसून रफ्तार पकड़ेगा उत्तर भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान जो पूर्व ये मध्य भारत है इस इलाके में मानसून रफ्तार पकड़ सकता है, तो उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं कि मानसून अच्छा निकलेगा और नॉर्मल के आसपास जैसे हमने बताया था वैसे ही समाप्त होगा। तो इस समय वेदर सिस्टम क्या है उन पर नज़र डालते हैं। अभी फिलहाल अभी तक जो मानसून चल रहा है वो 7% सामान्य से कम चल रहा है। दक्षिण भारत को सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश मिली है और मध्य भारत को सामान्य से 11% कम बारिश मिली है, उत्तर पश्चिम भारत को सामान्य से 5% कम और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत को सामान्य से 11% कम बारिश मिली है। इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है और जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो अब हिमालय की तराई से बिल्कुल सटी हुई है, यानी कि पश्चिमी हवाएं पूरे भारत में आधे से ज़्यादा भारत में चल रही हैं, यानी शुष्क हवाएं चल रही हैं और इसीलिए पिछले कई दिनों से ज़्यादातर इलाके शुष्क बने हुए हैं। अब उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है तराई के इलाके में। आज पंजाब के उत्तरी जिलों में हो सकता है लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इन इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ जाएं और कल भी इस तरह की स्थिति रहने की संभावना है, यानी कई दिनों से जो सूखा मौसम था उससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दक्षिणी जिले और हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये इलाके शुष्क बने रहेंगे, गर्मी बरकरार रहेगी, बादल नामोनिशान के लिए रहेंगे तो बहुत कम रहेंगे, तेज धूप जैसे निकल रही है वैसे ही रहेगी, पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहेंगी। ये ट्रफ रेखा जो है वो 18-19 तारीख के आसपास दक्षिण में शिफ्ट होगी, उस समय यानी 18 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 19 तारीख से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, यानी कि मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है इन इलाकों में। फिलहाल बात करते हैं अब पूर्वी भारत की, तो जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है और तराई के इलाके बिहार के हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी, बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी, यानी कि मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ये जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं इस इलाके में भारी बारिश की संभावना है, जिससे यहाँ का पानी जो तराई वाले इलाके उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं यहाँ पहुँच सकता है, जिससे कि बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो रही हैं और अभी भी जारी रहेंगी, क्योंकि जो नमी वाली हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी इस इलाके में बढ़ा रही है। और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं यानी दक्षिण तटीय इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है और उसका कारण ये है कि जो आप देखिए कि ये बना हुआ है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बिल्कुल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा 1-2 दिनों में, तो क्या होगा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, यानी कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों में बढ़ेंगी सारे इलाके में और झारखंड वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक रहेंगी। अब क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके यानी कि अंबिकापुर, कोरिया, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के बस्तर तक और जगदलपुर तक अच्छी बारिश होगी, जगदलपुर में 2 दिनों से बारिश ठीक ठाक हो रही है। अब नागपुर, अकोला, अमरोती, वर्षा, भंडारा और ये ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ेगी, मांडला, नरसिंहपुर और ये जो इलाके हैं यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ेगी, सिवनी, देवास और बाकी हरदा, बैतूल में, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ 17-18 तारीख तक ये पूरा जो इलाका है यानी कि खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, उज्जैन, रतलाम, इन सारे इलाकों को कवर कर लेगा और उसी तरह से नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ 18-19 तारीख को पड़ सकती है।
यानी कुल मिलाकर के जो मध्य भारत है उसमें बारिश बढ़ेगी। मराठवाड़ा के भी कई इलाकों में बारिश गतिविधियां अच्छी देखने को मिल सकती हैं। कल मुंबई में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, अभी भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छुटपुट बारिश गतिविधियां रहेंगी। दक्षिणी गुजरात में बारिश गतिविधियां अभी भी जारी हैं और ये 20 और 22 तारीख के बीच में जो दक्षिणी राजस्थान है यानी दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और जो गुजरात के ज़्यादातर इलाके हैं इस इलाके को बारिश मिल सकती है, उम्मीद अभी है बरकरार। हालांकि कई इलाकों में अभी भी सूखे, मतलब ज़्यादातर इलाके तो सूखे ही हैं और अब जो फसल है वो रिवाइव होना बहुत मुश्किल है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं पूरे इलाके में कि अब अगर बारिश होती है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगामी फसलों के लिए और जो पानी की जो कमी है उससे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर फसल तो बर्बाद हो चुकी है, हम ये मान के चल रहे हैं। और अब बात करते हैं बाकी इलाकों की, यानी कि जो दक्षिण भारत है इसमें तेलंगाना में हमने बताया कि स्लो प्रेशर एरिया के हिसाब से तेलंगाना के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी जिले लगभग सूखे रहेंगे और उसमें बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी। उसी तरह से तटीय आंध्र प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान जैसे विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, काकीनाड़ा और वारंगल, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश है, कृष्णा गोदावरी वगैरह में, और बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी यानी कि बेंगलुरु और उसके आसपास मैसूर, चामराजनगर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ठीक रहेंगी, यानी कि मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं एक दो स्थानों पर। कोस्टल कर्नाटका और केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक रहेंगी। चेन्नई वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और इंटीरियर तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ अभी जारी रहेंगी और केवल नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यानी कि वेदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। और इस समय का जो पिक्चर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें है और नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं, उत्तर पूर्वी जिले और ये तेलंगाना, रायलसीमा, ये जो दक्षिणी इलाके हैं, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप देखिए काफ़ी अच्छे बादल हैं और इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार हो सकती हैं, कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हल्की रहने की संभावना है। दिल्ली वगैरह में जो बारिश की गतिविधियाँ 19 तारीख से शुरू हो सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।